औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो है आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। आज जो मैं वजीफा बताऊंगी उससे पहले गुजारिश की जाती है कि अगर आप इस्तखारा रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो आप मैसेंजर पर आकर मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बहनें जो है उनको तो मैं वैसे भी माशाल्लाह मतलब कि कॉल पे बात कर लेती हूँ। जो भाई हैं उनसे थोड़ा पर्दे का एहतराम होता है, तो अगर वॉइस मैसेज मुझे लगता है मुनासिब है तो मैं फिर वॉइस मैसेज अपने भाइयों को कर देती हूँ। मैं इतनी गुंजाइश रखती हूँ, ठीक है। मदरसा है, नंबर इसलिए अलाउ नहीं किया कि मदरसा है, हर वक्त और भी काम होते हैं, फिर हर वक्त मोबाइल या नंबर हमारा इस तरह, फिर ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मुझे जितनी मुझे इजाजत मिली है, जिस हद तक मुझे मेरे बड़ों ने इजाजत दी है, मैं उस हद तक ही चल सकती हूँ। तो आप हमारे फेसबुक जो मदरसे का है वहां पर आप आ सकते हैं, और जो फेसबुक से बात मुझे एक और आपको कहनी मुझे मुनासिब लग रही है, हमारा फेसबुक किसी ने हैक कर लिया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें दोबारा से मिल जाए, तो हमने नया फेसबुक दोबारा से ऑन कर दिया है अपने मदरसे का। हमारा फेसबुक का जो पासवर्ड और जो ईमेल थी, जो नंबर था, वो चेंज हो गया हुआ है। वो किसी ने पता नहीं क्या किया है, हम खुद परेशान हैं। तो इसलिए नया आपको यूआरएल दिया जा रहा है, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। मुझसे बात अगर किसी ने करनी है तो प्लीज बहन भाई मैसेंजर पर आप आके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि भाई हो तो उनको वॉइस मैसेज के जरिए समझा दूं, बहन हो तो फिर मैं कॉल कर लूंगी, ठीक है। तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने ये कर दिया। आज जो मैं अमल आपको बताने लगी उससे प्यारी प्यारी अहदीस, रमजान मुबारक की बहुत प्यारी अहदीसें हैं, उसके बारे में बात की जाएगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमजान का एक रोजा भी बिला उज़्र शरय सफर मर्ज के बगैर छोड़ दे, फिर मुद्दत इसकी तलाफी के लिए रोजे रखे, तब भी एक रोजे की कमी को पूरा ना कर सकेगा। अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह पाक हमें सबको रमजान के रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। और जो बहन भाई मेरी अहदीस लोगों तक पहुंचाते हैं, मेरे अमल वज़ाइफ लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको जब क़यामत के दिन आप उठाएं तो मेरे साथ उठाइएगा इंशाल्लाह। मैंने अपना मकसद पूरा किया, अब मेरे बहन भाइयों पर है कि वो कब कहाँ तक मेरे इन अमल को पहुंचाते हैं। आज जो वजीफा मैं आपको बताने लगी हूं, अमल भी है और वजीफा भी है। अमल का तरीका जो मैं बताऊंगी वो भी गौर से सुनिएगा, वजीफे का जो तरीका बताऊंगी वो भी आप गौर से सुनिएगा। किसी को भी आप मुसख़र करना चाहते हैं, किसी अपने प्यारे को, और सबसे ज्यादा जो कमेंट्स मुझे आ रहे हैं मेरी बहनें और भाई, वो कह रहे हैं कि अगर ससुराल में कोई मसला हो, बहनें खासकर कह रही हैं कि ससुराल में अगर कोई प्यारा या कोई नाराज हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करें। वक्त, पीर और बुध, टाइम कम से कम मगरिब से पहले, आधा घंटा पहले या एक घंटा पहले आपने अमल करना है। घर में गुलाब के फूल आपको लाने पड़ेंगे, कम से कम 10 या 5 या फिर 3 तो फिर या फिर 1। वो गुलाब का फूल जिसको भी आप सुंघाएंगे या उसकी स्मेल उस तक पहुंचाएंगे, तो आप यकीन माने कि इतनी चाहत मोहब्बत तो आपने कभी आपस में देखी नहीं होगी। हस्बैंड वाइफ का मसला है, तरीका मैं आपको समझा देती हूँ। गुलाब के पत्तियों को सुखा लें, रोजाना थोड़ी सी पत्तियां आप जला दिया करें, उनको सुखा के उनको मतलब कि आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, जैसे एक पाउडर बना लेते हैं तो भी आप कर सकते हैं। गुलाब की पत्तियां ज्यादा भी लें लेकिन 7 गुलाबों से ज्यादा ना लें, ठीक है। ज्यादा ही किसी को मुसख़र करना अच्छी बात नहीं होती। बिल्कुल इंसान का दिमाग, अमल जब किया जाता है तो फिर उससे दिमाग इंसान का पकड़ा जाता है, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखें। अब जो बहन भाई हैं जो रिश्तों के लिए या कोई इस तरह का मसला है, अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, उसका तरीका ये है कि आप गुलाब की पत्तियां लें, उसको सुखा लें या सूखी हुई ले लें, उनके ऊपर पढ़ाई करें, कम अज कम 1100 मरतबा एक दिन का अमल है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें 1100 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। तो आपने क्या करना है,
उन पत्तियों पर दम करना है। दम करने के बाद आपने वो तमाम जो पत्तियां हैं, ठीक है, उनको संभाल के रख लेना है। दो से चार या थोड़ा सा जो पत्ती का जो आप होंगे गुलाब की, उनको जला लें। कागज में रख के भी आप जला सकते हैं, कोयलों पे रख के भी थोड़ा सा आप जला सकते हैं, चूल्हे के ऊपर रख के भी आप जला सकते हैं, उसकी खुशबू, उसकी महक जो है आप में फैल जाए। आपने ये करना है। अब आप ये किसी को भी आप ये खुशबू आप सुंघा दें तो यकीन माने, मैं कहती हूं इससे बुलंद अमल मेरे नसीब को कोई नहीं है, आपसी मोहब्बत अपने प्यारों। अगर आपके प्यारे आपसे दूर हैं या नाराज हैं या रूठ गए हैं, तो फिर भी आप इनको जरूर जलाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका ये मसला भी हल हो जाएगा, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। हमेशा याद रखें, अमल को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें, गुनाह के लिए नहीं इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जिस दिन ये अमल करेंगे उस दिन ही जिसको आप तलब कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो हाजिर हो जाएंगे। अगर रिश्तों के बंदिश का मसला है या कोई, जब भी कोई रिश्ता आपके घर आए तो ये खुशबू आप जला दें। आप यकीन माने जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपका होगा रिश्ता। अगर वालदैन नहीं मान रहे या कोई ऐसा मसला है, कोई परेशानी है, तो फिर आप जो है इस अमल को इस तरह करें कि आप घर में इसको जला दें, नाम ले लेके जलाएं, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, जिसको या घर की फैमिली को आप मुसख़र करें उनका नाम और उनकी जो मतलब कि वालदा का नाम है उनका ले, तो फिर देखिएगा ये अमल कितना ज्यादा आपके लिए अच्छा और काम करता। मैंने आपको पूरा तरीका आपको समझा दिया है, वक्त भी मैंने आपको बता दिया है। पढ़ाई के दौरान बावजू होके अमल करें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमन पढ़ें, और फिर दो नफल अगर हाजत के पढ़ लेते हैं तो फिर अमल बहुत ज्यादा ताकत रखता है। मुझसे एक दफा पूछ लीजिएगा, इजाजत ले लीजिएगा, ताकि मैं आपका इस्तखारा करके ताकि बता सकूं कि आप किस टाइम अमल करें, ये आपके लिए किस वक्त अच्छा है नहीं है, आया ये कितने मतलब कि अमल असर करता है आपके लिए, कौन सा अमल बेहतर है। इसी के साथ अपनी इस बहन को इजाजत दे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैरा।